फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। हरियाणा के पतौदी थाना क्षेत्र में जबरन वसूली के मामले में वांछित एक आरोपी को दिल्ली क्राइम ब्रांच की WR2 की टीम ने गिरफ्तार किया। दिल्ली क्राइम ब्रांच के DCP सतीश कुमार ने मीडिया से प्रेस रिलीज साझा करके बताया कि क्राइम ब्रांच WR की टीम ने एक आरोपी अनूप निवासी गृह नंबर 10 राम मेहर नगर गोपाल नगर सुर्खपुर रोड नजफगढ़ दिल्ली का है, जिसका स्थायी पता BPO पप रावल नजफगढ़ है। इसकी उम्र 48 वर्ष है। इसको गिरफ्तार किया है 13/4/2017 को एक FIR संख्या नंबर 149/17 धारा 384 506 201 120B IPC के तहत हरियाणा के पटौदी थाना क्षेत्र में जबरन वसूली और धमकी के मामले में मामला दर्ज किया था। इसमें यह वांछित चल रहा था और हरियाणा के माननीय न्यायालय पटौदी हरियाणा द्वारा 10/11/2023 को आरोपी को घोषित करार दे दिया था। आरोपी अनूप खंडेलवाल जिला गुरुग्राम निवासी देवेंद्र उर्फ देवा का सहयोगी था। देवेंद्र उर्फ देवा पूर्व विधायक भरत सिंह की हत्या के मुख्य आरोपी में से एक था। जबरन वसूली का मामला तब शुरू हुआ जब शिकायतकर्ता नरेंद्र को देवेंद्र देवा नाम के एक व्यक्ति से पैसे की मांग करते हुए एक धमकी भरा फोन आया। नरेंद्र की शिकायत के बाद FIR संख्या नंबर 149/17 के तहत मामला दर्ज किया गया, जिसके बाद कई गिरफ्तारी हुई। हालांकि बाद में अनूप को जमानत पर रिहा कर दिया गया था, लेकिन वह अदालती कार्रवाई में शामिल नहीं हुआ था, जिसे कोर्ट द्वारा उसे घोषित करार दे दिया था। 23/10/2024 को ASI श्री ओम को एक गुप्त सूचना मिली कि एक भगोड़ा और वांछित अपराधी गोपाल नगर नजफगढ़ में किसी से मिलने के लिए आएगा, जिसके बाद क्राइम ब्रांच WR2 के ACP रविंद्र राजपूत की देख रेख में इंस्पेक्टर पवन सिंह के नेतृत्व में टीम बनाई गई। इस टीम में SI अनुज छिकारा, SI कुलदीप सिंह, ASI रविंदर, ASI श्री ओम, हेड कांस्टेबल पवन, हेड कांस्टेबल अशोक, हेड कांस्टेबल रविंदर, हेड कांस्टेबल सोहित, हेड कांस्टेबल प्रमोद, कांस्टेबल मनोज और महिला कांस्टेबल काजल की एक टीम बनाई गई थी। आरोपी को गिरफ्तार किया और आरोपी से की जा रही है पूछताछ।